हाँ इनको तो लेकिन पता भी बहुत फील हुआ <laughs> इनको तो पता हाँ जी मेरे से एक टीवी लॉन्च का एक एपिसोड जो है वो मिस हुआ है क्योंकि फॉर सम रीजन मैं उसमें ज्वाइन नहीं उसको कर सका लेकिन मैंने मीनिंगफुल में आप लोगों को आप लोगों के साथ हम जुड़े रहे हैं सो so, अरसलान हाउ इज़ योर रमज़ान गोइंग मैंने तो कल भी बोला <coughs> uh, अच्छा लग रहा है रमज़ान है ना इट्स वेरी डिफरेंट ज़्यादा गर्मी नहीं ज़्यादा गर्मी नहीं है और एक्चुअली हमारी ज्यादातर रमजान हमारी जनरेशन के गुजरे गर्मियों में हुँ, हुँ, तो हमारे लिए ये वाले रोजे बड़े इजी ईजी ना, ना, ना भूख हाँ। लगती है ना प्यास लगती है हाँ। तो। और जल्दी जल्दी गुजर मुझे हैं। वो असद ने एक बार बोला था कि आप लोगों को तो ए सी में बैठ के आ, असद मैं ऐसे में नहीं बैठता असद को वाकई पता नहीं लगा है कि हम सारा टाइम ही में ऐसा नहीं है ए सी हम बहुत लेट जाके शुरू करते हैं लेकिन पता नहीं आजकल तो पंखे के नीचे भी हवा ठंडी आती है तो ये भी है

जैसे okay, सारा खान का उस है, ठीक है, उसको हुई है, लेकिन वो भी बड़ा एक स्लो और मजे का प्रोसेस है फिर वो जो उनकी एक बहन है तो वो बहने जिस तरह भाइयों के बीच रहकर मैं काम करूंगा मैं काम करूंगा एक वो है तो दद्दू हैंडसम और वो बहुत इंटरेस्टिंग हाँ और फिर वो जो एक मियां बीवी की नोकझोंक होती है कि मैं

चल तू तो जल्दी से चाय बना लेकर <laughs> खाना निकालता मैं दिन डाल देता हूँ <laughs> तो 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 <laughs> यार मेरी बात सुनो ये परोसने वाला जो काम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट काम हो आप बिरयानी बिल्कुल सही बनी अगर रायता ना ना मजे का हो

पढ़ते हैं वो मैंने गलती से लिख दिया कि फर्स्ट पाकिस्तानी जो ऑस्कर ले गए हालांकि मैं इतना जाहिल हाँ। मुझे याद ही नहीं आया कि इससे पहले हाँ। शमीन शमीन हाँ। है, वो भी मुस्लिम है हाँ। मैंने कहा फर्स्ट मुस्लिम जिसने ऑस्कर फिर मैंने कहा एयर रहमान को भी तो मिला है वो भी मुस्लिम है yes. तो मतलब इनफैक्ट उन्होंने मुझे कमेंट्स में जाके वो करेक्ट भी किया सो आई एम सॉरी ये हमारा फॉल्ट था मुझे माफ कर दें

म्यूजिक इजीली अवेलेबल है इजीली yes. अवेलेबल mm -hmm. है mm -hmm. आप मोबाइल पे जाएं और जाके कर, फु, फु, सुने ना सुने फिर उसके बाद आप पहली ही में ही आप mm -hmm. जो है ना आप अपनी ओपिनियन बनाते हो पुराने जमाने mm -hmm. में ही होता था

वो गाना अच्छा लगा तो पहले ऐसे होता था पुराने हाँ, तो जमानों में ऐसे ही होता था

मोहब्बत करने वाले कम, नहीं कम होंगे, नहीं होंगे जी। मैंने सुना वो गाना अच्छा मुझे आ, गाना बड़ा पसंद है आ, मुझे ओरिजिनल वर्जन है। किसने, कौन से वाला? इस तीन वर्जन्स है। आपको किसान है? तो अच्छा, है बेसिकली जो है ये गाया मेहंदी हसन ने इसके अलावा गाया फरीदा खानम ने मैंने लेडी वाला हुआ फरीदा खानम का इसके अलावा ना इकबाल बानो ने गाया हुआ और जो है नसीम बेगम ने भी गाया हुआ है चार पाकिस्तान के हैं जिन्होंने है गाया हुआ है हाँ। और आ, मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट है वो ऐसे जो म्यूजिक सुनने वाले हैं और जो म्यूजिक समझने वाले हैं उनके नजदीक मेहदी हसन ने सबसे अच्छा गाया है लेकिन मुझे पर्सनली फेवरेट इकबाल बानो का लगता है उसके right. बाद जो कुछ ज़्यादा अच्छा बेहतर जो मुझे लगता है वो नसीम बेगम का लगता है आ, लेकिन जो है इस ये मेरे चीज़ को डिस्कस करने का मकसद ये था कि उन्होंने ये गाना तो गा दिया रिक्रिएट किया हाँ. उन्होंने सबको थैंक्स भी कहा मेरे ख्याल में मेरा मेरी ख्वाहिश थी कि इनको आर्टिस्ट को भी शायर जो हैं और जो ओरिजिनल सिंगर क्योंकि उन्होंने वही रखी है मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे हुँ, जो उसकी एक ट्यून है हुँ. तो उनको क्रेडिट देना चाहिए था व्हाट डू यू थिंक आई आई थिंक ग्लोबल रिकॉग्निशन होती हां कि सिम्फनी तो वही है जो जी. पिछले गानों की है इनफैक्ट अगर वो कर देती तो इस तरह हमारा म्यूजिक का और एक एक क्रेडिट जाता हाँ. क्योंकि ग्रैमी ने इस दफा आपको पता है लता मंगेशकर जो कि नाइट Nighting, क्या Nightingale. Nightingale. <laughs> hmm. है. Hmm. Uh, उनका ना एक चलता है जिसमें वो पुरानी जिनकी जिस साल में डेथ हो जाती है उनको वो हाँ, कर है. लता को इंक्लूड नहीं किया रियली really? यस yes, नहीं किया ऑस्कर्स ने भी नहीं किया और ग्रैमी ने भी नहीं किया अच्छा, तो जब श्री इन... देवी की हुई थी उनको किया गया था ऑस्कर्स जी ऑस्कर्स में, आगे आगे में किया गया हाँ। था लेकिन ये बहुत जरूरी था करना चाहिए था, करना चाहिए था, था, था यार शी इज अ ग्लोबल आइकन मतलब वो मेरे ख्याल में वो, वो सबसे बड़ी स्टार है इंडिया की ऑब्वियसली और आज मतलब अब

नुसरत फतहली खान बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको रिक्रिएट किया जा रहा है नुसरत फतेह अली खान का तो कंप्लीट जो कॉपी राइट है वो जुबिन नौटियाल को मिला हुआ है तो वही उनको सिर्फ करते हैं आज है। करते हैं ना उन्हें आगे जाके अच्छा हाँ, मैंने देखा उन्होंने नुसरत के और भी गाने हैं वो भी अच्छे से उन्होंने हाँ, किए हाँ, हैं सो हाँ, हाँ. so, बहाल आई थिंक थिंकूज आफ्ताब को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन और इनको अब ग्लोबली इतना रिकग्नाइज किया गया तो उसके लिए भी आपको तरक्या मजीद तरक्या दें दे और आप यूं ही मजीद अच्छा अच्छा काम करती जाए और हम कोक स्टूडियो के अलावा भी आपको और भी ज्यादा देख सकें है ना चले अब हम इस न्यूज को भी करते हैं साइड पर अब हम लेके आते हैं एक और न्यूज जो है ये, रमजान से ये, है। जी। ये है, हमारी एक बड़ी प्यारी राइटर है सोनो चंदा की तो पूरी फ्रेंचाइज है दो हाँ और इसके अलावा अब उन्होंने हम तुम और चौधरी एंड सन्स भी लिखा चुपके चुपके भी चुपके चुपके भी लिखा तो फैंस की बड़ी फरमाइश थी सोनो चंदा पार्ट थ्री आना चाहिए था जी

फिर एकदम एक स्टेटस आया कि वो कह रहे हैं कि वो लिख लिख देंगे हाँ, देंगे लेकिन अब एक दोबारा स्टेटस आया जिसमें वो कह रही है कि आ, सीजन तो सीजन तो होता है हाँ। तो मैं कोई नहीं लिख रही सीजन थ्री मैं कोई नहीं लिख रही सीजन टू ऑफ चुपके चुपके मैं कोई नहीं लिख रही सीजन सीजन टू ऑफ इस जलेबी तो जो है अभी वो उन्होंने तीन चार रोम कॉम उसका बताया कि वो फिलहाल वो लिख रही है अभी पता नहीं क्या अच्छा, अभी इट्स है, कि उनको लिखना चाहिए है या नहीं सबसे पहले तो मैं कहता हूँ वासिद चौधरी को लिखना चाहिए जरूर क्या लिखना चाहिए बारात सीरीज वो कब से से फंसी हुई है दस साल ऊपर हो गए हैं दो हजार बारह आजर, की।, आजर, की, आजर हाँ। की डोली की ताके की एंड ऐनी की एनी अब की, हाँ। वो नानी की और बॉबी की फंसी हुई है वासे चौधरी सारी प्लीज लिखे उसकी भी है किसकी नानी की भी फंसी हुई है ना वो एंड में उनकी शादी वो फसा लेती है अच्छा हाँ। सही सही <laughs> नहीं फिर तो मेरा ख्याल है उस सी, उस फ्रेंचाइज को जो हमने अपने अपने उस पे भी लगाया जब आ, हम कंपेयर कर रहे थे कि कॉमिक करैक्टर्स जो हैं जितने भी रमजान सीरियल्स में हिट हुए तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने सायमा चौधरी को लोग अभी भी मिस करते हैं दस साल के बाद तो अब मेरे ख्याल में उसका कम हो जाना चाहिए

रिलेटेड हाँ स्टोरीज आती थी लेकिन वो आज तक लोग देखते हैं मुझे नहीं उसके अंदर इतना वो क्रिजमा है कि लोगों ने उसके साथ बड़ा स्ट्रांगली कनेक्ट किया

टू तो में मुझे बड़ा मजा आया था आई अच्छा मजा, अच्छी बात यह कि मैं मैं

उनके बारे में एक स्मियर कैंपेन चली जी। थी तो वो <laughs> जो उसके कुछ नहीं निकल सका और वो के हमें साइबर क्राइम विंग को इसके अंदर कुछ नहीं मिला स्मियर कैंपेन वाला तो हम इसको बंद कर रहे हैं जी तो आप इसके अंदर क्या कहते हैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्टार के बारे में बहुत बड़ी स्टार क्या होती है बेचारी है जरूर है तुम मेरा ख्याल है वापस कमेंट्स में आना चाहते हो <laughs> अच्छा आ, तो तो नहीं होनी थी ना मतलब कि कैसे ही कोई स्मीर कैंपेन कर सकता है इस तरह से नहीं लेकिन तो, उन... तो मुंह की खाई मैं तो यही कहूँ हाँ। वो तो हमने पहले भी कहा था कि ये नहीं करना चाहिए तो अब आप उनको क्या कहना चाहेंगे मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप काम पे तोज्जो दें और इसके अलावा आप थोड़े अपने अंदर हम्बलनेस लाएं ना सिर्फ वो और बल्कि वो हर वो इंसान जो किसी ना किसी वाक्य से या किसी ना किसी प्रोजेक्ट से या किसी 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 को चक्का भी लग जाता है आप पॉपुलर हो चुके हैं अल्लाह ने आपको तरक्की दी है अल्लाह ने आपको नाम दिया है शहरत दिया तो उसका ख्याल रखें उसका ख्याल आप इस तरह रख सकते हैं कि आप जो है खुद हम हो जाए बल्कि इस तरह से नहीं कि आप में थोड़ा प्राउडनेस आ जाए और आप लोगों को कहें कि ये गंदा ये अच्छा ये गंदा ये अच्छा मैं खुद भी सना जावेद को यह कहना चाहूंगा कि उनको मजीद काम करने की जरूरत है अपने ड्रामास के ऊपर भी और अपने बिहेवियर बिहेवियर पे भी। के ऊपर मतलब अगर आपका देखिए आपका काम आ, आ, बड़ी बहुत बड़ी बहुत, बड़ी है, बहुत, बहुत ही बड़ी। अच्छा काम किया बहुत शदीद अच्छा काम किया गंदे बिहेवियर से आज वो कोई उसको याद भी नहीं करना चाहता देखी फैशन और जब इन्होंने देखी क्वीन तो मेरा हाल हाँ। 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 अरसलान से बड़ा तो शायद ही कोई फैन था उस वक्त कंगना का मतलब उसके एक एक सीन से निकाल ली चीजें कि भाई ये हाँ, exactly. ये ये और आज मुझे मेरा क्वीन को देखे हुए कोई तीन साल हो गए हाँ <laughs> मैं भी नहीं कंगना के काम से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा और रिसेंटली कंगना के जिस तरह का काम आ रहा है नहीं काम के अलावा भी एक आप एक डिग्निटी होती है एक हम्बलनेस होती है मतलब आप आप थोड़ा वो कहते हैं ना वो जिस वो बड़ी प्यारी है कि जिस जो झुकी हुई डाली होती है उस उसी

ये स्टोरी जो है ये हमें बड़ी दूर ऑस्कर से मिली है और वो हुआ ये कि में आप सबने देखा होगा कि विल स्मिथ और क्रिस रॉक जो है उनका हाँ, चपेट मार दी हाँ, हाँ, ठीक है हाँ. अब हुआ ये कि वो और नीम्स बन गई हाँ, बहुत नीम्स बन गई <laughs> बात आई गई हो गई लेकिन ने इसके ऊपर लिया स्ट्रिक्ट एक्शन और उन्होंने विल स्मिथ को दस साल के लिए ऑस्कर से कर दिया बैन क्या कहेंगे आप इस पर अच्छा किया <laughs> मेरा ख्याल है एक अपनी आर्टिस्ट की इज्जत होती है आप उसको स्टेज पर स्लैब करें हालांकि उसके बाद उनको पूछा भी गया कि अगर आप कोई चार्जेस प्रेस करना चाहते हैं इनके अगेंस्ट क्रिस रॉक को तो उन्होंने कहा नहीं मैं इसके ऊपर कोई आगे फर्दर एक्शन नहीं लेना चाहता अच्छा मुझे ना इस मामले की थोड़ी रियल नॉलेज नहीं बस ये मुझे पता है कि उसने जाकर थप्पड़ मार दिया वो कोई उनका कोई ना एक वो जोक कर रहे थे उनकी वाइफ के ऊपर तो वो उनको पसंद नहीं आया और हाँ कर दिया।, दिया लेकिन वो बात हो, उस वक्त जो थी ना कैमरे के ऊपर ऑन कैमरा इस बड़े अच्छे से उसको कवर कर जी, दिया जी। तो उसके बाद उस आ, लीगल टीम ने उनसे पूछा कि अगर आप इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेना चाहते क्योंकि तुम्हें तो पता है अमेरिका में तो हो जाता है हो जाता। आप म्यूजिक भी रहे तो लीगल एक्शन ले लेते हैं आपके ठीक है लीगल एक्शन ले लिया है ठीक है जो मेरे खिलाफ यहाँ पे स्मियर कैंपेन की गई है आ, पीछे शुक्र है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ <laughs> पसंद नहीं है ऐसे इनको पीछे एक तपड़ पड़ गया हाँ, तो मेरी टीम ने इसके ऊपर बकायदा लीगल एक्शन चले देखेंगे और, देखेंगे, और देखेंगे, अब हम इसको आगे परस्यू करेंगे हाँ। अभी हम इस स्टोरी को और ये जो भी स्टोरी ये दोनों का कहते हैं साइड पर ये स्टोरी वैसे वो कर रह गई क्या अनरिजॉल्व हाँ। हो गया ना मैटर ठीक ठीक है आ, कुछ मजीद हाँ, है कुछ बात करनी तो कर दिया अब हम इस को करते हैं साइड पर अब हम लेकर आते हैं आपके लिए एक और स्टोरी ये, तो हाँ, हाँ, ये ज्यादा दूर नहीं हमें जाना पड़ता नेबर से ही हमें मिली है तो ज्यादा ही नेबर आठ किलोमीटर पर

तो रणबीर कपूर के घर जो है वो शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं ठीक है, है? उन्होंने लाइटें शटें लगवा ली हैं वहाँ पे तो बरकी कुमकुमे भी लग चुके हैं वहाँ पे जी तो अब मुझे इस तरह लगता है कि शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं सिलवा लें फिर सूट वूट मेरी घट फीलिंग नहीं अभी भी मानती जाने में या शादी होने में ये क्या ठीक है <laughs> दो अलग अलग बातें हम शादी में तुम्हें पता है नहीं हमें ड्राइवर हेलो ड्राइवर पता करो कि क्या हम पार्टी पे आ सकते हैं और ये भी पता करो कि पार्टी कहाँ हो रही है <laughs> तो क्या हम आ सकते हैं कि नहीं अच्छा खैर नहीं तो पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता आज भी मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी लेकिन अल्लाह करे <laughs> यह नहीं बड़ा लवली कपल है <laughs> नहीं मुझे नहीं मेरा दिन दिन मानता मुझे लगता आलिया निभागी <laughs> क्या गलत बात हो गई है पता नहीं हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं लेकिन मुझे पता नहीं क्यों फील आती है कि मेरी गट फीलिंग इस जोड़ी को एक्सेप्ट नहीं करती पता नहीं क्यों मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी तुमने क्योंकि तुम्हारी गट ने तीन चार और भी जोड़े देख लिए हैं इस तरह के मेरा जैसे वो रहानियां वाला था वोरा हाँ। नहीं मानता था सायरा शरीज नहीं दिल मानता था इससे भी नहीं मान रहा नहीं दिल दिल तो जोड़े को नजर लगा रहे हो हम तो भाई कहेंगे कि अल्लाह उनको खुश रखे और वो एक दूसरे के साथ आजकल उसकी शूटिंग भी चल रही है <laughs> नहीं, मैंने ना हसीब को की शादी आ गई कहता है उनकी फैमिली में कुछ बुरा अंकल मरने वाला था तो शादी कर लेते हैं जल्दी अच्छा तरह यहाँ पे होता है आ, वैसे कुछ हुआ है सुनने में तो यही यार है अकॉर्डिंग टू मसीब पता नहीं क्या आगे। <laughs> ये तो दो ही चीजें होती हैं या अबू की तबीयत तो खराब है तो शादी होने लगी है या वो आज मैं खेल रही थी तो मेरी वो मैं नीचे से बॉल उठाने लगी तो पुप् ने आके उंगली में रिंग डाल दी। आ, तो, ना, ना। बहरहाल जी इस कपल को हमारी तो जिंदगी इनका, इनका का सफर से गुजरे दूसरे के साथ इसी तरह यूं ही हंसी खुशी रहे और अब हम इस न्यूज को भी करते हैं साइड पर अब हम लेकर आते हैं एक और न्यूज वो न्यूज ये है कि कोक स्टूडियो पे आपने एक सॉन्ग सुना पसूरी अली सेठी और शायगिल का शे हाँ जी ठीक है वो वो सॉन्ग ने सारे ही तो है, है? स्पॉटिफाई पे वो वन पे नंबर ट्रेंड करता रिकॉर्डर <laughs> अभी हुआ ये हमारे दूर हमारे बड़े प्यार लोग आपने अरमान मालिक को तो सुना ही होगा बड़े प्यारे प्यारे सॉन्ग्स वो बनाते रहते बड़े कॉपी भी हैं एक यार को तो ना तुम प्यारी ना रहने देना अनु मलिक के बेटे हैं तो कॉपी करेंगे ना हाँ तो उसमें अभी हुआ ये कि अरमान मलिक ने पसूड़ी को बहुत, लाइक किया और सिर्फ अरमान मलिक ने नहीं बहुत सारे लोगों ने लोग तो वो लोगों को पसंद आया पसूड़ी ने हर तरफ पसूड़ी डाल के रखी जी जिसने सुना उन्होंने फिर उस पर अपने डाला स्टेटस पे और फिर वो वायरल हो गई वीडियो ना कि पसूड़ी जो है

आप लोग तरक्या करें हाँ। अली सेठी शेगल को हाँ। स्टूडियो तो खैर ग्लोबल सेंसेशन uh, है हाँ, हाँ। मतलब हमारा म्यूजिक uh, का रियल जो मतलब हम हम लोग म्यूजिक से जो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी इतनी ग्लोरीफाइड थी पहले वो पिछले कुछ अर्से से डाउन थी हुँ। लेकिन हुँ। अब मुझे एक उम्मीद सी जाकी है कि हमारे को um, uh, agree, disagree, इस जो उन्होंने लेकिन में काम किया हाँ विडियोग्राफी तो है ही है लेकिन म्यूजिक आप इसलिए कह रहे हो कि पिछले पांच छह सीजन अच्छे नहीं आ रहे थे उसकी नस्बत ये बहुत था। था था। तो तो लेकिन, सीजन भी आ, कितनी कितनी लेकिन अभी भी भी अगर अगर आप आप मेरे दिल दिल से पूछो जो 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 वो 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 सीजन 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 की की थी थी मतलब आज मैं कोक स्टूडियो को तभी दे बैठा जब मैंने झूम सुना इस वाला ना ना हर उसकी देखी आपने कभी तो और जो आर्टिस्ट थे वो जगह जगह ने हाँ। नेपाल में बैठे हैं हाँ। तो, मोरक्को वो भी बड़ा अच्छा है हाँ। लेकिन आ, ये बहुत अच्छा ये नहीं कह सकते

वो ब्राउन सूट आ गया नजरों में क्योंकि वो ब्राउन सूट तीस हजार रुपए का था ठीक है सिंपल ब्राउन सूट जी उसके ऊपर लोगों ने बहुत हाला लाला ला की लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा सपोर्ट भी उनको मिला जी सबसे पहले उनको सपोर्ट किया जवेरिया बासी ने जी उन्होंने कहा कि देखो अगर तो तुम लोग <laughs> जी <laughs> उन्होंने कहा सदफ का ब्रांड है सदफ की मर्जी है तुम लोगों को लेने हैं लो नहीं लेने ना लो हाँ अग्री आ, नहीं क्यों यार अगर तो ये एक बहुत बड़ा कोई सदव ब्रांड होती ना सद एल ए की होती ना हुँ, हुँ। तो ये इतनी प्राइस रखते हुए समझ आती है कि सदफ का भी अपना एक नाम है लेकिन जो है ये समझ नहीं आई इतना महंगा जोड़ा नादिया मतलब आप अपने आसपास की देखें ना जो आपकी कह लीजिए कि आपकी फील्ड से आई और उन्होंने इस तरह की चीजें शुरू की जैसे नादिया हुसैन है उनका अपना मेकअप का भी ब्रांड है उनका अपना कपड़ों का भी ब्रांड है फिर इसके अलावा और कौन सी मॉडल है जिसे इस तरह से किया नीजा ठीक है जो प्रीमियम लॉन्च शुरू शुरू में आई थी तो वनीजा लेकिन इतनी महंगी प्राइस किसी की नहीं थी क्योंकि इतना महंगा जोड़ा तो शायद अभी आप आ, वो, उन्होंने कहा कि डिजाइनर जोड़े लेते हुए आपको इतने महंगे महंगे तब फील नहीं आती और अगर आप उस बेचारे ने अगर डिजाइनर कंपैरिजन में भी रख भी दी महंगी चीज तो हुँ। आप लोग क्यों वो करें लेकिन प्रॉब्लम इज के डिजाइनर के जोड़े भी अव्वल तो बहुत महंगे होते हैं उस पर भी कभी हम करेंगे बात लेकिन इतने महंगे नहीं होते जिस कैलेबर का वो जोड़ा था सिंपल सादा प्लेन जोड़ा कितना ही महंगा कपड़ा लगा दो सोने की उसमें तारें तो नहीं डली हुई होंगी ना ये वही वाली बात होती है मीठे पुल्ले बाहर से ले लो स्वीट कॉर्न मॉल से ले लो हाँ तो <laughs> और ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कट था उसका मतलब अगर मैं उसको एज अ फैशन क्रिटिक हाँ। करूँ ना वैसे तो मेरा कोई औकात नहीं है लेकिन हाँ। मुझे समझ नहीं आती कि आतीस हजार का मैं तो कभी भी ना लू लेकिन हम, हम, लेते हैं, हम 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 लेते लेते हैं हैं डिजाइनर कपड़े मतलब जो ये पे हाँ। या या तो पहनने मतलब हाँ। 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 ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें बहुत सारे इस तरह तो, के हैं कितनी महंगी सिल्क लगा दी होगी चलो सिल्क है जो भी चलो जो भी आप कपड़े का वो निकाल लें टेक्सचर इतना महंगा तो नहीं होगा ना कि इतनी महंगी सिलाई लग... क्या आपने क्या डिजाइन बिठा के उसे खुद सिलाई करवाई थी एक एक टांका जो है अपने हाथ से लगाया था हैंड हैंड स्टिच स्टिच जो भी है लेकिन आ, नो मैं एग्री नहीं करता और ये हैंड स्टिच ही सबसे पहले खोलते हैं ये तो आप <laughs> या तो आपको ऑलरेडी एक वेल स्टेब्लिश ब्रांड हो हाँ। या तो आप एक बहुत बड़ी फैशन आइकॉन हो हमारे लिए कि आपके फैशन को लोग फॉलो करते हैं या तो आपको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आप जस्ट एक मॉडर्न है और आप सोचे ना ये चीज इतनी महंगी प्राइस लगाते हुए कि यार मेरी मेरी इतनी फैन आप पे इतने मीम्स बन गए

Uh, मैं ये प्रेगनेंसी वाली जो न्यूज है उसके ऊपर करना चाहूंगा क्योंकि uh, बड़ा अच्छा ये कपल एक तो लगता है कहीं भी आप इसको गैदरिंग पे देख लें तो दोनों अच्छे से बड़े अच्छे एक दूसरे के साथ लगते हैं तो मेरा ख्याल है ये खुशी जो अब उनके घर आएगी इससे एक और हमें भी खुश होना चाहिए एज अ फैन ठीक है सो so, अभी हम इस न्यूज को भी करते हैं साइड पर अभी हम पाकिस्तान की न्यूज कर रहे थे लेकिन फिर बाहर चले जाते हैं अभी हुआ ये कि पहले न्यूज में ले कि हमने अपने पेज के ऊपर भी ये न्यूज लगाई थी के नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत सिंह जो उनके हस्बैंड हैं वो एक अवार्ड शो के ऊपर उन्होंने एक गाने को रिक्रिएट किया द नेम वाज बारी, बारी आप सबने सुना होगा बिलाल सईद एंड मुस्तफा मोमना मुस्तैद हाँ मोमना मुस्तैद का वो गाना था और उसका पार्ट टू भी आया जी, ठीक दो, है दो दो गाना। और बड़ा अच्छा वेल सेलिब्रेटेड वो सॉन्ग था उसको नेहा कक्कड़ और रोहन ने उसको एक रीसेंट किया एक इवेंट पे हाँ। उन्होंने गाया अवार्ड शो के ऊपर बेसिकली क्रिएट किया वो मैजिक yes. लेकिन इसमें दुख ये है वैसे उन्होंने गाया तो बहुत अच्छा बहुत तो अच्छा तो पसंद हाँ। आया ठीक है मैं उड़ाती मैं हवा नाल लड़नी हूं दुख ये है कि उन्होंने कोई क्रेडिट्स नहीं दिए क्या कहेंगे आप

मैं इस चीज से भी इख्तलाफ हूँ अब उनके पास आवाजें नहीं बेहतरी अब श्रेयाब श्रेया घोषाल है हजार तीन चल ले लो, लो। पलक... ने ऐसा हो गया आ... कक्ड़ अच्छी सिंगर नहीं है प्लीज मेरे साथ बहस मत करना तुम उसके अच्छे वाले गाने सुनो ना उसके बाद सोनू कक्ड़ उनकी अपनी बहन ले लो ठीक है वो गा वो भी बहुत पुरानी है बाबू जी जरा धीरे चलो जानी ले लो उनका बीपराक ले लो उनका यार जानी जो है ना वो जिनके ताजे ताजे ब्रेकअप हुए हुए ना उनके लिए बड़ा बेस्ट है हाँ तो अगर किसी का ब्रेकअप ना हुआ हो तो मेरा तो करें? हर मंथ में थोड़ा सा एक वीक आता है जाने वाला <laughs> मैं जाने को निकाल के ना मैंने साउंड क्लाउड पे पांच छह गाने रखे हैं मैं जाने एक जाने दूसरा वो जो एक अंग्रेजन है क्या नाम है उसका अजय

वो लेवल नहीं है है वाकई तो साल, साल ठीक नहीं, नहीं, चार नहीं दिन से उसका गाना सुन रहा हूँ मुझे उसका गाना याद नहीं आ रहा एक मिली मैंने अपसरा में वो लड़की का क्या नाम है जो भी है अब नहीं पता ना आपको तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ सिंगर शमिता शेट्टी की बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है होती होगी कोई बेस्ट फ्रेंड मुझे नहीं जिसने फैशन में गाना भी गाया था कुछ खास है कुछ अभी मुझे नहीं याद <laughs> तुमको नाम नहीं तुमको तो 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 मुझे वो अभी याद नहीं आने। आप आ रही लेकिन आप लोगों को लाजमी आ रही होंगी तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताएं क्योंकि मुझे कि आवाजें उनके पास कम नहीं है एक से एक बढ़कर आवाज आगे सो अभी हम इस न्यूज को भी कहते हैं साइड पर अब हम लेकर आते हैं मूवी ऑफ द वीक में हमने देखी इस बार दसवीं दसवीं मैंने भी भी देखी आ, yes. मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी मूवी थी यूनिक यूनिका था कि हाँ, कि हम जो जो कहते हैं हैं ना पॉलिटिशियंस है, हम पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारी मूवीज बनाते हैं लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका किस तरह का होता है एजुकेशन बैकग्राउंड किस तरह का होता है वो मूवी जो है आप देख सकते हैं दसवीं दसवीं में हमें अभिषेक बच्चन के ऊपर ज्यादातर तो ये मूवी थी लेकिन स्टार कास्ट में और भी बड़ी स्टार कास्ट शामिल थी लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुमाया कैरेक्टर भी अभिषेक बच्चन का ही रहा कि कैसे उन्होंने True face of politics भी दिखाया, लेकिन उस ट्रू फेस को करेक्ट करने के लिए एक सोल्यूशन भी बताया कि हम अगर एजुकेशन बेटर कर ले और एजुकेशन जिससे एक चढ़कर हम आगे जा सकते हैं और हम सारे ओपन कर सकते हैं yes. तो मेरा बर्थ वॉचिंग मूवी है, आ, watch watch yes, है। yes. आप लोग प्लीज उसको लाजमी जाकर देखें और फैमिली मूवी है मिनट ना लगेगा तोड़ने में मिनट तो मिलने ना लगेगा थारी अक् तोड़ने में अनपढ़र होंगे so, अब हम चलते हैं लास्ट सेगमेंट के ऊपर विच इज मीन कमेंट्स जी <laughs> मीन कमेंट सेक्शन नाम अच्छा है मुझे भी पसंद आया चलो करो। जी मीन कमेंट्स में सबसे पहला कमेंट है सैम बोरी का जो कहते हैं सर मुझे आप दोनों अच्छे लगते हैं आ, यार बट मुझे सिर्फ सभा कमर पसंद है जब जब आप सभा कमर को डिस्कस करते हैं मैं आपका शो जरूर देखता हूं देखती हूं

हम तकरीबन तो तब बच्चे ही थे है ना तकरीबन तो हाँ। करते दो, जाते। दो ज़िए। <laughs> <ज़िएद>। <laughs> शदीद वाली अबाउट माई कॉन्टेंट टू एंड स्टार्टली स्टार्टिंगली क्या नहीं तो फिर हम गलत कब बोले ड्रामाज एटसेट्रा होगा

इन्होंने रोज फातिमा लिखा होगा देखो <laughs> जरा <laughs> हम आप भी आपको कमेंट कर करेक्ट कर देते हैं मेन कमेंट ठीक है ओके okay जी हरा हाफ सुरी लेके दो कमेंट हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल पे दो पाकिस्तानी फिल्म्स के सॉन्ग्स अपलोड किए बट गॉड रिस्ट्रिक्शन वट शुड आई डू आई अपलोड दैम जस्ट टू प्रमोट बॉलीवुड प्रॉब्लम इज हाफ सुरीली जो आपका म्यूजिक है वो, वो उसके कॉपी उनके पास है जो इनिशली उस म्यूजिक जिस म्यूजिक कंपनीज़ ने इनको रिलीज़ किया था अगर आपने कुछ गाने ई एम आई पाकिस्तान के रिलीज़ किए हैं तो ई एम आई आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक फेंक सकता है सो यस so, yes, आप अपलोड नहीं कर सकते लॉलीवुड के सॉन्ग्स जो कि किसी म्यूजिक कंपनी ने जिसके नहीं। नहीं था। 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 हाँ लिए हुए होंगे ठीक है हाउ सुनील कहते हैं कमली लुक गुड एज पर डायरेक्शन एंगल एंड टेक्निक ये वर्णा मैं बोल नहीं सकता डायरेक्टोरियल अच्छा बोल है। रही है मैंने लेकिन चलो ठीक है मुझे ना वो फ्लो में नहीं बोला जाता डायरेक्टोरियल <laughs> एंगल एंड टेक्निक बट इट लुक्स लाइक एंड नॉट कमर्शियल एग्रीडी अग्री। मुझे लगता था कम्पलीट डिसेंट कमर्शियल फिल्म होगी क्योंकि सरमद ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा था लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था

आपने अभी तक मैं एनीथिंग क्या भेजूं चॉकलेट्स भेज आपको थैंक यू सो मच आपके कमेंट करने का लेकिन बताएं भी आपको क्या चाहिए हाँ अच्छा अभी असद व्यूज के बहुत शदीद बड़े कमेंट्स हैं इनमें कौन कौन सा मैं फिल्टर करूं, कौन चल ठीक है शुरू करते हैं असद व्यू कहते हैं असान किसी ने

राइट ही मालूम नहीं, 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 नहीं है हा, हा, और आ, हम पॉलिटिक्स पे ऐसे कर रहे होते हैं जैसे हम सबसे बड़े <coughs> हैं पहले हम आवाम को ठीक होना पड़ेगा और फिर हमारी पॉलिटिक्स ठीक होगी हमें ये नहीं पता हम साथ किसका दे रहे होते हैं। बस ठीक है लेकिन फिर मेरा व्यू बदल गया मैंने लास्ट भी यही बात की है कि हम हम बाप दादा की सियासत को लेकर चल रहे हैं ठीक है ये वही वाली बात होगी ठीक mm. है उसके बाद वो कहते हैं मैं भी एक्साइटेड हूँ फरार की रीमेक देखने के लिए हमें बहुत से ऐसे क्लासिक प्रोजेक्ट हैं जिन्हें हमें yes. रीमेक करना चाहिए yes. आपने देखा फरार yes. जाके yes. भी थोड़ा सा अभी नहीं अभी नहीं बट फरार एक बहुत ही अच्छा भाई देरी जवर का भी रिप्लाई आया था हमें अच्छा थैंक यू सो मच फॉर द मेंशन ओके ठीक है इसके अलावा हाँ झांझरिया सॉन्ग आपकी बात ठीक है कि झांझरिया नहीं दिखाई हाँ आजकल के सॉन्ग में जिस चीज़ का नाम लिया जाता है उसको प्रे, प्रेजेंट होना लाजमी नहीं हुँ. लेकिन आप साइन एक्टर से फील करवाएं करवा सकते हैं ठीक है हाँ. एक्शन से सॉरी करवा सकते हैं क्योंकि अब थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया है यस ये हो सकता है लेकिन वो कुछ उन्होंने कुछ

मजा आ गया hmm. कोई बात नहीं हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान इंटरटेनमेंट की हेल्प से आगे hmm. बढ़े hmm. क्योंकि आपके पड़ोसी hmm. आगे बढ़ें तो आप भी आगे बढ़े बढ़ोगे आप आ, ऐसे ड्रामा रिव्यू और इंडियन कंटेंट पर अपने थॉट्स देते hmm. रहें वेटिंग hmm. फॉर चौधरी एंड सन्स आर 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 के जी एफ टू एक्सेट्रा लव एंड ब्लेस फ्रॉम यूर नेबर पाकिस्तान

पी एस असलान ऑलवेज एक्सप्रेस इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थ्रू इज एक्सप्रेशन एंड दैट्स काइंड ऑफ क्यूट एंड फनी एट द सेम टाइम जरा रियल में मिले मुझे उन्होंने नाम मेरा ख्याल आगे पीछे कर दिया रियल में मिले मुझे असलान नहीं मेरा नाम मेरा नाम एहसन है हां अगर एग्री कर गए हो तो नाम तो ठीक ले लो इमरान गुजर कहते हैं कमेंट सेक्शन का नाम आपकी आ रहा आपकी आरा हाँ, राय से निकला राय की जमा हाँ। रखें पीटीबी पर आता था किसी जमाने में जब लोग खत लिखा करते थे वैसे रखा जा सकता है आपकी आरा हाँ। हाँ। पसंद आपकी पेशकश हमारी पसंद आपकी पेशकश हाँ। <laughs> हो सकता है अच्छा जी इसके साथ ही मीनिंगफुल दिस वीक हैज बीन एंडेड आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए और हमें मजीद सजेशंस देने के लिए दे। आपके सजेशंस के थ्रू हमने बहुत ज्यादा कनेक्ट किया है और अपने आप को करेक्ट किया है yes. सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और क्लोजिंग रिमार्क्स आप प्लीज अपने दे दें खुश रहें खुश रखें है तो पानी स्टे हाइड्रेटेड आजकल तो होट जो है ना पता नहीं ये जीव खुशकी का शिकार हो चुके हैं पानी पी पी के मेरी तो हालत खराब हो गई है <laughs> लेकिन फिर भी होट जो है ना वो प्यास फिर भी नहीं खत्म होती लेकिन ये वो रोजे में नहीं लगती लेकिन मैं से जनरली हाँ। अच्छा इसके अलावा मैंने लास्ट जैसे टीवी लॉन्च में कहा मैं इस फिर यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज ईद को सेलिब्रेट किया करें ईद घर में सोकर गुजारा करें मेरे एक दफा मेरे फैमिली में लड़ाई हो गई थी तुम्हें पता है नहीं कि वो जब ईद नमाज पढ़ के सब सो गए मैंने कहा ये एक इवेंट ऐसा होता है जो हमें सेलिब्रेट फुल एनर्जीज के साथ एनर्जी यार मैं तुम्हें इसके ना पीछे की ईद जो है ना वो हमारा एक तोहफा है तो उसको अगर हम सो के सोने के लिए 365 डेज हैं प्लीज ईद है ना ईद की तैयारियां आज से शुरू कर दें इसकी रीजन है क्या वो ये रीजन है कि आप ना चांद रात को जागते हैं हाँ। कज़न्स के साथ बैठ के हल्ला गुला मेहंदी लग रही है तो आप नहीं जाते पे हाँ। नहीं हाँ लेकिन चांद रात को जब आप जाग रहे हैं फिर ईद की नमाज हो जाती है सुबह छह बजे छे बजे आप पढ़ के नमाज आके तो है, आठ है। हाँ, हैं उसके बाद बैठ के आप इंतजार ही करते रहते हैं जब टाइम पूछो बज रहे हैं दस बज रहे हैं सो जाए ना ज्यादा ना तो ईद को मेरा तो बड़ा मैं तो बहुत सेलिब्रेट करता तुम ईद भेजना ना इस बार हाँ हो सकता है ज़रूर माई नॉट तुम्हें मेरा एड्रेस तो पता ना जैस कैश हाँ चलो उधर मूव करो ना <laughs> अच्छा जी आ, मेरे भी लास्ट कॉमेंट्स यही है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें रोज़े भी अच्छे से गुजारें लेकिन रोज़ों में इबादत भी अपनी पूरी रखें क्योंकि रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है इबादत आपकी लाजमी उसमें शामिल हो तो वो रोजे को रोजे का एक टच देती हैं इसके साथ अफतारी अपने घर वालों के साथ बैठ कर उनके साथ बातें शाते करें और अपने आप को हाइड्रेट रखें अपने खाने पीने का भरपूर ख्याल रखें सेहत का भी ख्याल रखें और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है दुनिया का हर काम आपके साथ ही चलता है रोजा किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं है बहुत सारे लोग ना एक्सक्यूज़ देते दे हैं रोजा है तो, तो, तो अल्लाह के लिए था ऐसी तो कोई, कोई रीजन नहीं है एक्सक्यूज नहीं है रोजा नहीं रोज हमारा जिंदगी को नॉर्मल आए मतलब नॉर्मल ही रहने दे हाँ और रोजा ही यही चीज यही है आपने नॉर्मल जिंदगी के साथ इसको मैनेज करना बना दो

मुझे और दीजिए अला अल हाफ़